दो दशक की कहानी और पटना के सिटी एसपी रह चुके आरएस भाटी अब बिहार के बने नए डीजीपी। इनके कहानी अनेकों हैं और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी माना जाता है। बिहार में नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी को बनाया गया है। वर्ष 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी भट्टी फिलहाल सीमा सुरक्षा बल में अपर महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। वर्तमान डीजीपी 1988 बैच के आईपीएस संजीव कुमार सिंघल का कार्यकाल 19 दिसंबर 2022 को समाप्त हो चुका था। आरएस भट्टी इस पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किए जाएंगे और हो भी गए हैं। देर रात आरएस भट्टी पटना पहुंचते हैं और आज से उनका पदभार ग्रहण और अपराधियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के स्तर इसी अधिसूचना रविवार को जारी कर दी गई थी। भट्टी का कार्यकाल 30 सितंबर 2025 तक का है। भट्टी अभी दिल्ली से पटना आ चुके हैं। अधिसूचना भी जारी हो चुका है। गृह मंत्री विरमित करने का आदेश जारी करेगा। फिर डीजीपी बीएस के स्तर से उन्हें पद से मुक्त करने का आदेश जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि भट्टी को अपने पसंद बनाया गया। इन तीनों नामों वर्ष 2088 बैच के मनमोहन सिंह, 1989 बैच के आलोक राज और 1990 बैच के आरएस भट्टी शामिल थे। इस तीनों में जूनियर भट्टी ही हैं। मनमोहन सिंह की वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है और वह 31 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आलोक राज 21 दिसंबर 2025 और आरएस भट्टी 30 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसी राज्य में डीजीपी को काम करने से कम 2 वर्ष बनाना होता है। इसी वजह से मनमोहन सिंह रेस से बाहर हो गए। डीजीपी बनते ही अपराधियों में मानो खलबली आ चुका है। आपको वह दिन याद होगा जब बाहुबलियों पर शिकंजा कसने को लेकर चर्चा में रहे। आरएस भट्टी पटना के सिटी एसपी के अलावा सिवान, पूर्णिया, बोकारो, झारखंड समेत अन्य कई जिलों में बतौर एसपी रह चुके हैं। बाहुबली और सिवान रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार करके लाने के कारण खास सुर्खियों में रहे थे। इसके अलावा सारण इलाके के दबंग नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली आनंद सिंह के बड़े भाई स्वर्गीय दिलीप सिंह पर इनका अलग अलग शिकंजा कसा गया था। पटना में सिटी एसपी रहते हुए बतौर कोतवाली थाना के ठीक सामने अलाहाबाद बैंक के पास आरएस भट्टी ने इनकाउंटर किया था। आपको बता दें कि आरएस भट्टी के पहुंचते ही राजनीतिक गलियारे में भी हड़कंप मच चुका है। वो आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, लेकिन आरएस भट्टी अपने समझौताओं से परहेज नहीं करते हैं। वह हमेशा अपने टास्क फोर्स के साथ और रणनीति के साथ काम करने में मशहूर माने जाते हैं।